इस वीडियो में हम 10 और 11 जून के करंट अफेयर देखेंगे जो कि 69वीं बीबीएससी या बीपीएससी के द्वारा जो टीचर भर्ती की जा रही है या ऐसे भी और कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेलिंगटन में, लखनऊ में, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में इंडिया न्यूजीलैंड राउंड टेबल मीटिंग हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? फ्रांस में, जर्मनी, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। तो इंडिया की तरफ से टोटल अभी तक 6 मिस वर्ल्ड बने हैं। वो कब का बने हम देख सकते हैं, रीता फारिया 1966, ये हमारी रीता फारिया 1966 में बनी थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय बनी थी 1994 में, डायना हेरा 1997 में बनी थी, युक्ता मुखी 1999 में बनी थी, प्रियंका चोपड़ा 2000 और लास्ट में अभी रिसेंटली मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। तीसरा क्वेश्चन है, कौन हार्वर्ड के वित्त विभाग की उपाध्यक्ष और CFO नामित हुई है? लक्ष्मी सिंह, निर्मला लक्ष्मण, रितु कालरा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है रितु कालरा, अभी हार्वर्ड के वित्त विभाग की उपाध्यक्ष और CFO बनी है। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप कम कौन सी स्पर्धा है? इटली, भारत, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? फ्रांस, इजराइल, इटली? इसका सही जवाब है इजराइल ने पहला डिजिटल सरकारी बैंक सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इजराइल से रिलेटेड और भी न्यूज देख लेते हैं, पहले मैप में देखते हैं इजराइल यहाँ पर है, इसके बगल ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये जो दोनों मिलाकर आपका फलस्तीन कहलाता है, गोलन हाइट डिस्प्यूटेड लैंड है, किसके बीच में? इजराइल और सीरिया के बीच में गोलन हाइट डिस्प्यूटेड लैंड है। ये सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है, ये आपका इजिप्ट मिस्र का पार्ट है। तो और पॉइंट देख लेते इजराइल से रिलेटेड, इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सेटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अडानी ग्रुप ने हाइफा बंदरगाह, हाइफा कहाँ पर? इजराइल में, याद कर लीजिए, हाइफा बंदरगाह पर अधिग्रहण किया अडानी ग्रुप ने। इजराइल और भारत ने पहले अरब मुक्त, इजराइल और यूएई होगा यहाँ पर, यूएई ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? श्वेत पत्र ये देख लीजिए, श्वेत पत्र बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें बहुत ही रिसर्च किए हुए चीज़ें सब होते हैं, जो होता है ऑथेंटिक होता है, सही होता है और सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने का समय का है और ये ऐसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टाइप का ही है, ये लोगों के लिए जारी किया जाता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आपका हिमाचल प्रदेश ने एक वाइट पेपर आर्थिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड श्वेत पत्र जारी किया है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड और भी न्यूज देख लेते हैं, HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया, हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। तो हिम डेटा पोर्टल आप ये समझ सकते हैं, हिम से तो हिमाचल प्रदेश याद हो जाएगा और डेटा तो डिजिटल चीज़ों के से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, पिन वैली है यहाँ पर, इसके अलावा है खीर गंगा भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो पिन वैली और ग्रेट हिमालय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। सातवां क्वेश्चन है, पुष्प उत्सव मिंटोक लानमो कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में, कारगिल, जम्मू या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है डी, क्योंकि ये लद्दाख और कारगिल दोनों जगह पुष्प उत्सव एक है मिंटोक लानमो, मतलब मिंटोक लानमो कहाँ का उत्सव है? लद्दाख और कारगिल का, और ये किससे रिलेटेड पुष्प उत्सव है। आठवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मुंबई में, नई दिल्ली या बेंगलुरु में? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हुआ,
किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नवा क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमति हुए हैं, फ्रांस, सर्बिया या इटली? तो इसका सही जवाब है सर्बिया। 1 बिलियन यूरो द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा कब तक? 2030 तक, इंडिया और सर्बिया के बीच में। तो सर्बिया को मैच में देख सकते हैं, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है वो, छोटा सा सर्बिया इधर में, और इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। बेलग्राड है इसका कैपिटल का नाम है, सर्बिया का बेलग्राड है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र? तो गौला नदी इसका सही जवाब है उत्तराखंड, और गौला नदी जो है ना उत्तराखंड में है, ये आप याद कर सकते हैं, गौला नदी उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो वहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते रहते हैं, तो गंगोत्री है, जिम कॉर्बेट देश का सबसे पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर वहाँ पर है, राजा जी नेशनल पार्क है, और नंदा देवी। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये चारों है, पहला 1, 2, 3, 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा तो राजा जी और जिम कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर, ये तीन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, जिम कॉर्बेट, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो गया नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वो गंगोत्री है और नंदा देवी है। पशु विहार एक तरह से याद कर लीजिए, अलग चीज़ है, पूछ सकता कभी भी।